क्या हो अगर एकदम से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और आपको पता चले कि पूरी दुनिया के पावर सिस्टम में दिक्कत आ गई है और अब दोबारा कभी बिजली नहीं आएगी। पावर लॉस के कारण धीरे धीरे व्हीकल्स के लिए फ्यूल मोबाइल में नेटवर्क चला जाएगा और पुलिस से कोई कॉन्टैक्ट ना होने के कारण सभी को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। इसी स्टोरी लाइन पे बेस है 2015 में रिलीज कैनेडियन थ्रिलर मूवी इनटू द फॉरेस्ट, जो कि कैनेडियन बेस्ट सेलिंग नॉवल पे बेस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइम टॉक्स। मूवी के ट्विस्ट और सस्पेंस आपको एंड तक थ्रिल में रखेंगे और हमने आपके लिए इस मूवी की स्टोरी के साथ एंडिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो बहनें नेल और ईवा शहर से दूर अपने पापा के साथ रहती हैं। नेल साइंस की स्टूडेंट होती है और ईवा को डांस पसंद होता है, इसीलिए ईवा सारा दिन अपने कमरे में डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी करती रहती है। पर रात को सडनली लाइट चली जाती है, जिस पे वो अपने पापा रॉबर्ट को पावर हाउस में कॉल करने को कहती है। बट वो लोग देखते हैं कि लाइट के साथ मोबाइल सिग्नल भी चला गया है। नेल अपनी पढ़ाई के लिए उनकी कार से लैंप ले आती है और कार की डिगी बंद करना भूल जाती है, जिस करके अगली सुबह कार की बैटरी ठंडी पड़ जाती है और सुबह कार स्टार्ट नहीं होती। इसी करके ईवा डांस ट्यूटर के पास नहीं जा पाती और नेल भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाती। साथ ही रॉबर्ट को भी भारी पावर लॉस की चिंता खाए जा रही होती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपना दिमाग चला के एक जुगाड़ लगाता है। वो चेनसो से, जो कि एक इलेक्ट्रिक आरी होती है, उससे कार का इंजन जोड़ के कार स्टार्ट कर देता है। और फिर वो लोग टाउन में जाके देखते हैं कि वहां पे भी लोगों ने ग्रोसरी स्टोर लूट रखा है और तमाम दुकानों में भी लूटपाट की घटना हुई हुई है। क्योंकि नेटवर्क ना होने से पुलिस से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए जैसे ही वो स्टोर में एंट्री करते हैं कि तभी स्टोर ओनर स्टैन उनको गन पॉइंट पे लेके पहले पैसे दिखाने को कहता है। उसे लगता है कि ये लोग भी सामान लूटने आए हैं। शहर की ऐसी हालत देख रॉबर्ट और उसकी बेटियां 3-4 महीनों का एक साथ राशन खरीद लेती हैं। उन्हें शहर आने जाने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए और घर के जनरेटर के लिए भी पेट्रोल की ज़रूरत होती है, पर सारे पेट्रोल पंप खाली होते हैं, जिस करके रॉबर्ट स्टोर ओनर स्टैन से ब्लैक में 5 लीटर पेट्रोल भी खरीदता है। उसके बाद ईवा डांस क्लासेस और नेल अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। नेल को उसी के एक क्लासमेट एली पे क्रश होता है, जिसके साथ वो कैंप फायर डांस भी करती है। रात को रॉबर्ट ईवा और नेल को पिक करके जंगलों के बीच में बने अपने उनके घर के लिए निकल जाता है। रात काफ़ी अंधेरी होती है और शहर से थोड़ी ही दूर सुनसान सड़क पे एक खराब कार के बाहर दो लोग खड़े होते हैं। रॉबर्ट अपनी दोनों बेटियों को कार में छोड़ के उनकी मदद के लिए जैसे ही जाता है तो वो लोग उसे गन दिखा के डराते हैं और उसे वहां से चले जाने को बोलते हैं। दरअसल इस टाइम पे सभी लोग डरे होते हैं और उनकी खुद की सुरक्षा उनके खुद करनी होती है, जिसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। और सुबह जब नेल अपने पापा रॉबर्ट को शहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एली से मिलना होता है, तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि जब तक पावर वापस नहीं आ जाती तब तक वो लोग घर पर ही रहेंगे, जिस पे नेल काफ़ी भड़क उठती है और नाराज़गी के मारे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इंजन के लिए रॉबर्ट जंगल में चेनसो से लकड़ी काटने चला जाता है और ईवा अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। जंगल में लकड़ी काटते टाइम रॉबर्ट के चेनसो का नट बोल ढीला हो जाता है और वो चेनसो टेढ़ी होकर रॉबर्ट के ही पैर को काट देती है। वो जोर से चिल्लाता है, जिस करके ईवा और नेल वहाँ भाग के जाती हैं। जितनी देर में वो दोनों वहाँ भाग के पहुँचती हैं, इतनी देर में उसके पापा का काफ़ी खून बह चुका होता है और वो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है। दोनों लड़कियाँ अपने पापा को इस हालत में देख कांप उठती हैं और वो समझ जाती हैं कि अब इनकी जान नहीं बच पाएगी। नेल और ईवा दोनों अपने पापा को हग करके साथ लेटकर रोती रहती हैं। वे रात तक रोती रहती हैं और अपने इमोशंस हल्के करने के बाद वो सुबह खुद को संभालती हैं। नेटवर्क ना होने के कारण वे एम्बुलेंस भी नहीं बुला पाती, इसी कारण दोनों बहनें हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से अपने पापा की कब्र खुद खोद के उन्हें वहां दफनाती हैं। उनके पापा को याद करते हुए दोनों बहनें जंगल के बीच उनके घर में सहमी हुई एक दूसरे का सहारा होती हैं। इसी तरह उनके 2 महीने बीत जाते हैं और अब उन्हें खाने की कमी भी महसूस होने लगती है। एक रात जब वो सोने लगती हैं कि तभी डोरबेल बजती है और नेल जाके देखती है कि वो एली है। नेल एली को देख काफ़ी खुश हो जाती है। वो सरप्राइज होकर पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला और तुम इतनी रात को कैसे आए, क्या तुम ठीक हो। एली बताता है कि उसने नेल को अपने पापा के साथ कार में जंगल के रास्ते जाते देखा था और एली ने उस रास्ते पर जितने भी घर थे सभी में जाके नेल को ढूंढा। दरअसल पूरा शहर तबाह हो चुका था और जितने लोग बचे थे
वो एक दूसरे से लूटपाट करते रहते थे और एली को नेल की चिंता खाई जा रही होती है। एली को लगा था कि नेल शायद मर चुकी हो, पर उसे एक उम्मीद थी कि नेल ठीक हो, इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच गया। हालांकि अब पेट्रोल सभी के पास ख़त्म हो चुका है, इसीलिए एली को वो सारा सफ़र पैदल तय करना पड़ा और उसे इसमें 4-5 दिन भी लग गए। नेल एली को पूरे जंगल में घुमाती है और वहाँ वो एक दूसरे से इंटीमेट भी होते हैं। एली को उन दोनों बहनों के साथ रहते काफ़ी दिन हो जाते हैं। ईवा इस पे नेल को एली से पूछने के लिए कहती है कि कब तक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि उनके खाने का सामान भी ख़त्म होने के कगार पे था और साथ ही ईवा नहीं चाहती थी कि ऐसे बुरे टाइम पे नेल प्रेग्नेंट होए। नेल जब एली से इस बारे में पूछती है तो वो उसे बोस्टन के बारे में बताता है, जहाँ की उसने सुना है कि पावर भी है और लाइफ नॉर्मल है। एली नेल को साथ चलने की तैयार कर लेता है, पर इस पे ईवा मना कर देती है और घर पर ही रहती है। साथ ही ईवा नेल को भी जाने से नहीं रोकती और अपनी लाइफ में आगे बढ़कर जैसा उसे ठीक लगे वैसे जीने को कहती है। नेल एली के साथ खाने का सामान और पहाड़ों के लिए हाइकिंग का सामान लेके निकल पड़ती है, पर अपनी बहन को अकेले घर छोड़ के अपनी लाइफ में इस तरह सेल्फिश होना नेल को रास नहीं आता, जिस कारण नेल को पूरी रात एली के साथ रास्ते में नींद भी नहीं आती। सुबह होते ही वो एली को समझाती है कि उनके पापा की डेथ के बाद से ही उसकी बहन काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही है, इसीलिए उसे वापस अपनी बहन के पास जाना चाहिए। एली भी नेल को अच्छे से समझता है और उसको सपोर्ट करता है। नेल को वापस देख ईवा बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पहले की तरह रहने लग जाती हैं। नेल बायो की स्टूडेंट होने के कारण अपनी किताबें लेकर जंगल में खाने लायक पौधों को ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन जब नेल जंगल में पेड़ पौधों की पढ़ाई कर रही होती है और ईवा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रही होती है, तो पीछे से स्टैन आता है जो कि ग्रोसरी स्टोर ओनर था। स्टैन बताता है, मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है, पर मन ही मन उसके इरादे अलग होते हैं और वो वहाँ उनके घर से निकले चिमनी के धुएं से वहाँ पहुँचा था। ईवा उसे झूठ बोलती है कि उसके पापा पास ही जंगल में लकड़ी लेने गए हैं, कि तभी स्टैन ईवा को पीट के उसके रेप करता है और उनकी SUV कार लेके भाग जाता है। कुछ देर बाद नेल वापस आती है और अपनी बहन को जमीन पे अधमरी हालत में पड़ा देख चौंक जाती है। इस हादसे से ईवा सदमे में चली जाती है और नेल घर के सभी दरवाजे बंद करने के साथ अपने पापा की गन निकाल के अपने पास रख लेती है। ईवा इस हादसे से उभर नहीं पाती है और वो घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर देती है। नेल भी अब हमेशा बाहर निकलते वक्त अपने साथ गन रखती है। एक दिन नेल को घर के बाहर बड़े से पत्थर से चोट लग जाती है, वो काफ़ी परेशान होती है। ये देख ईवा को अपना डर भगा के नेल को बचाने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। धीरे धीरे टाइम के साथ ईवा ठीक होने लग जाती है कि तभी उसको उल्टी आना और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ईवा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। नेल उसे एबॉर्शन के लिए कहती है, पर इस पे ईवा कहती है कि रेप मेरा हुआ था, मुझे उस बुरे दौर से गुजरना पड़ा था, पर इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसलिए वो अबॉर्शन को मना करके उस नन्ही सी जान को ज़िंदगी देने का डिसाइड कर लेती है। 8 महीने बीत जाते हैं और जिसमें कि नेल हंटिंग, खाने लायक फ्रूट्स और अपना पूरा पालन पोषण करना जंगलों के सहारे सीख जाती है और वो धीरे धीरे अपनी बुक्स को भी जंगल में ले जाके वहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से एक एक प्लांट के बारे में अच्छे से सीख जाती है। पावर सप्लाई अभी तक नहीं आई होती है और ना ही पावर लौटने का कोई अनुमान होता है। दोनों बहनें उनकी लाइफ में आए सबसे बड़े चेंज से गुजरकर इंसानों की बनाई आलीशान सुख सुविधा से भरी कागज़ की दुनिया, जिसका कि हम सभी को ये भी नहीं पता कि कभी एक दिन हमारे द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही हमारी इंसानियत को जड़ से मिटा देंगे। इसी इंसानी सुख सुविधा के चक्रव्यूह से नेल और ईवा अब बाहर निकल के डायरेक्ट जंगलों को अपनी फूड चेन का हिस्सा बनाती हैं। एक अंधेरी रात को जोर से तूफान आ रहा होता है, जिस दौरान ईवा को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उस तूफान में उनके घर की छत भी टूट जाती है। इसीलिए नेल ईवा को लेकर जंगलों में बने एक शेल्टर में ले जाती है, जहाँ ईवा एक बेबी बॉय को जन्म देती है जो कि उसकी लाइफ का आखिरी सुख होता है। इसके बाद ईवा उनके टूटे हुए घर पे, जहाँ की उसकी मम्मी पापा की मौत हुई और उसके साथ रेप हुआ, वहाँ अपनी नन्ही जान को लेकर जाने से नेल को मना कर देती है। नेल भी ईवा को पूरा समझती है और बची हुई गैस से वो घर को जला के जंगलों में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसीलिए इस मूवी का नाम भी इनटू द फॉरेस्ट है। ये मूवी कैनेडियन बेस्ट सेलिंग नॉवल पे बेस्ड है और हमें नेचर से इंसान के सदियों से चलते आ रहे रिश्ते को एक बेहतरीन तरह से पेश करती है।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपका टाइम सेव करके सिर्फ बेस्ट हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनेशन लाते रहें। धन्यवाद।